इस साइड पे है BMW की बाइक्स। BMW की एकदम लेटेस्ट गाड़ी है ये, देखिए एकदम न्यू एकदम डिफरेंट। हम लोग देख रहे हैं ऑडी और जो उसके जो नए नए मॉडल्स अभी लॉन्च, कुछ चार चलने वाली गाड़ी भी कहा जाता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग आए हैं ऑटोमोबाइल एक्सपो में, जो कि रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है, जो कि इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रायपुर से लगा हुआ है। और यहाँ पे 100+ ऑटोमोबाइल ब्रांड्स ने अपना मतलब जो स्टॉल है वो लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हमको घूमने में, और बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी आपको नए नए ऑटोमोबाइल्स के बारे में, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ऑटोमोबाइल्स में उसके बारे में। और ये जो है ये मार्च 23 से मार्च 27 तक चलेगा 2023 में। और गाइज अभी हम लोग चलते हैं अंदर में, और आप लाइक करना ना भूल दें, इसलिए अभी से एक लाइक कर दें। तो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कार्स, टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर सब तरीके के मतलब व्हीकल्स आए हैं ये देखिए, और 100+ ब्रांड्स आए हैं यहाँ। गाइस कुछ इस तरीके का लोकेशन है, पार्किंग की फुल यहाँ पे व्यवस्था है ये देखिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, यहाँ का वेलकम गेट है और इससे जाएंगे हम लोग अंदर। ये देखिए गाइस ग्राउंड कितना बड़ा है, तो एक्सप्लोर करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आजकल कमर्शियल व्हीकल्स में भी ईवी आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये देखिए ये सामान पहुंचाने की है, और इस साइड पे पैसेंजर व्हीकल है ये देखिए, जैसे हम लोग ऑटो रिक्शा करते हैं वही वाली। तो अभी हम लोग पेट्रोल्स के बिना मतलब जो हम लोग गाड़ी को चार्ज करके भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मज़ा उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल 400 किलो तक का भार आराम से उठा सकती है, मतलब जो गाड़ी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी 400 किलो तक का भार उठा सकती है। जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है 400 किलो तक का भार उठा सकती है, मतलब इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी 400 केजीज ये उठा सकती है। SMV एंटरप्राइजेस का एक ऑफर है कि आप वहाँ से कुछ व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको वॉशिंग मशीन फ्री में मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर है गाइज, आपको व्हीकल भी मिल रहा है साथ साथ में वॉशिंग मशीन भी। ये एक और ईवी व्हीकल इस SMV एंटरप्राइजेस एक और व्हीकल सेल कर रहा है, जो कि 500 केजीज तक उठा सकती है, और वो भी इलेक्ट्रिक है। ये जो एक्सपो है इसमें मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो करके ट्रैफिक पुलिस लोग भी आए हैं, और यहाँ पे जो ट्रैफिक के नियम है वो पूरे दिए गए हैं। और गाइस गलत तरीके से गाड़ी चलाने में कहाँ पहुँच जाते हैं और कैसा हाल हो जाता है वो यहाँ पे दिया गया है ये देखिए, इसीलिए हमको ट्रैफिक नियम्स का पालन करना चाहिए। इस साइड पे आयसर के कमर्शियल व्हीकल्स है ये देखिए, जो जैसे ये स्कूल बस है, और जो ये सब जो व्हीकल्स रहते हैं ट्रैक्टर और जो सामान ढोते हैं इसमें बहुत ज़्यादा भार लगता है गाइस। और ये आयसर के पूरे व्हीकल्स है, इसमें बहुत ज़्यादा नई नई यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आई है, और इस साइड पर बोर्ड लगा है, आपको पूरी डिटेल्स इसमें दिख भी जाएंगी। अभी फिलहाल बस के अंदर भी और बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फुल ही एयर कंडीशनड है बस। ये देखिए ऊपर में फैंस भी लगे हैं ताकि ज़्यादा गर्मी ना हो, ये देखिए फुल ही एयर कंडीशनड है बस। 35 सीट्स है तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फुल्ली इसमें एयर कंडीशनड है। इसमें LED इंडिकेटर्स भी लगे हैं ये देखिए। तो ये हाईवा है, इसमें सब जो मिट्टी गिट्टी रेती ये सब इसमें मतलब इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है।
ये देखिए, मतलब इसमें जो सैंड रहता है, रहती है गिट्टी रहती है, वो इधर से उधर शिफ्ट होती है। और आप जानते ही हैं रतन टाटा जी का ब्रांड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारे इंडिया का ब्रांड है, तो हमको सपोर्ट तो ज़रूर से करना चाहिए। डिस्प्ले में पूरे डिटेल्स भी दिया जा रहा है, तो आप ऑटो एक्सपो में आके ज़रूर से देख लीजिएगा इसको। बहुत सारी जेसीबी है, ये देखिए जेसीबी के तो आप जानते ही हैं गाइस, सब बच्चे लोग की फेवरेट रहती है, सबकी फेवरेट रहती है जेसीबी। रोड के काम में बहुत ज़्यादा काम में काम आती है ये, इधर मतलब जो कंस्ट्रक्शंस के भी बहुत सारे काम में, और जैसे गाड़ियों को लिफ्ट करना रहता है जब वो फंस जाती है, तो यहाँ पे ये एक छोटी जेसीबी है। जेसीबी का जो मशीन मतलब कार्स रहते हैं, व्हीकल्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे काम आते हैं लाइफ में। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी क्रेन्स है जेसीबीस की, ये मतलब जो मल्टीपर्पस वाली जेसीबी है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जब हम लोग को सामान उठाना पड़ता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए पीछे हमको अलग टाइप का पुल अप मिला है और सामने हमको अलग टाइप का। इस साइड पे इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, ये देखिए पूरे इलेक्ट्रिक चीज़ें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक ऑटो है, ये देखिए। इलेक्ट्रिक बाइक्स, इधर पे बैटरी है और इधर से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। और मारुति ने एक नई कार लॉन्च की है जिसका नाम है जिमी, क्योंकि ये 4x4 है और अंडर बजट है। ये थार को टक्कर देने वाली गाइस कार है। और इस साइड पे है ग्रैंड विटारा, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, जो विटारा ब्रेजा है उसी का, जो मतलब और अच्छा मॉडल बनाया गया उसको। ये देखिए पूरे अच्छे अच्छे इसमें फीचर्स हैं और आप एक्सपो में आके और एक्सप्लोर कर सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं गाड़ी में। इस साइड पे हुंडई की और है, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी हुंडई की गाड़ियां हैं। इस साइड पे वरना है, मतलब ये जो हुंडई का एक्सपो है और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी यहाँ पे कार हैं। इस साइड पे BMW 2 है और इस साइड पे BMW 3 है। देखिए कितनी ज़्यादा मस्त है गाइस, आप जानते हैं ये BMW कार्स बहुत ज़्यादा लग्जरी रहती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर रोड में अगर BMW चल रही है तो अलग से ही पता चल जाता है। और यहाँ पे है महिंद्रा की थार, जो कि है सबसे ज़्यादा फेवरेट सबकी, 4x4 है और सब बच्चों के दिलों में राज करती है गाइस, ये कार सबके दिलों में राज करती है। इसीलिए जब भी कोई बोलता है कि 4x4 कार लेनी है, सबसे पहले हमारे माइंड में थार ही आती है, जो कि महिंद्रा की। ये देखिए और जो लुक्स रहते हैं थार के, वो तो एकदम मौसम ही रहते हैं। थार को यहाँ पे चढ़ा के भी दिखाया गया है क्योंकि ये 4x4 है। सर ये एमहॉक इंजन में 130 पीएस के साथ टर्बोचार्ज्ड 2.2 डीजल इंजन के साथ आती है ये थार, रेड कलर में 4x4 में, ये हार्ड टॉप में है। SUV 400 है और ये एक बार चार्ज करने से 450 किलोमीटर की स्पीड रनिंग देती है। देखिए कितनी ज़्यादा मस्त है XUV 400, वो भी EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। साइड पे है रेंज रोवर, ये देखिए रेंज रोवर कार बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है और बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है इंडिया में हमारे, क्योंकि जो रेंज रोवर कार रहती है वो सब एनवायरमेंट मतलब सब कंडीशंस पे सूटेबल रहती है। कभी कभार हम लोग हल्के फुल्के ऑफ रोडिंग करा ले उसके लिए भी अच्छी रहती है, और जो नॉर्मल रोड्स पे चला जाता है उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट देती है। इसको मैं आपको लुक्स भी दिखा देता हूँ कार के, और ब्लैक कलर तो कहीं सबको पसंद आता है, तो इसी ब्लैक कलर में, ये देखिए बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है। साइड पे सबकी फेवरेट KTM बाइक्स है, आप जानते हैं KTM कितनी ज़्यादा फेमस है, ड्यूक KTM। ये देखिए बहुत ज़्यादा मस्त मस्त लुक्स में यहाँ पे KTM RC 200, KTM ड्यूक 250, पूरी यहाँ पे बाइक्स है अच्छी अच्छी है देखिए। और गाइस आजकल तो सबका सपना रहता है कि KTM बाइक्स लेना ही है, क्योंकि इसका जो रेसिंग रहता है बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता है, और लुक्स रहता है वो मेनली बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कि यहाँ पे सबकी फेवरेट एक्टिवा यहाँ पे है, और गाइज आप जानते ही हैं एक्टिवा बहुत ज़्यादा पुराना मतलब बहुत ज़्यादा पहले लॉन्च हुई थी और अभी तक तो बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है। और एक्टिवा जो मतलब सब हम लोग स्कूटी बोलते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वाह एक्टिवा जा रही है करके, मतलब एक अलग ही ब्रांड बन गया एक्टिवा। इस साइड पे है रॉयल एनफील्ड, इसको हम लोग बुलेट भी बोलते हैं, क्योंकि गाइज इसका जो मतलब साउंड रहता है चलने का वो एकदम बुलेट जैसा लगता है, ऐसा लगता है बुलेट की गोली निकल रही है। और ये अभी भी हम सबके दिल में राज करती है रॉयल एनफील्ड, इसका नाम भी एकदम रॉयल एनफील्ड है, तो फील भी इसको चलाने में एकदम रॉयल आती है।
साइड पे पूरी हीरो की बाइक्स हैं और स्कूटीज हैं, ये देखिए। और हीरो ने गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब इंडिया में मार्केट खड़ा किया है। सब लोग को मतलब ऐसा लगता है जब हम लोग स्कूटी ले रहे हैं तो हीरो की भी क्यों ना लें, ये देखिए। और सबकी फेवरेट पल्सर स्प्लेंडर इस साइड पे, ये देखिए पल्सर और स्प्लेंडर आप जानते हैं इंडिया में कितनी फेमस है। आप लोग सुबह सुबह अगर रोड में ऐसे निकल जाएंगे तो पल्सर और स्प्लेंडर तो ऐसी दिख जाती है रोड पे। इस साइड पे है BMW की बाइक्स, ये देखो इसका नाम पड़ गई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, BMW G310RR। ये देखिए बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी बाइक्स है, ये देखिए। मतलब हम लोग बोलते थे BMW सिर्फ कार्स में अच्छा है, लेकिन जो बाइक्स बनाते हैं BMW वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ये देखिए बस हम लोग को देखने से ही पता चल जा रहा है BMW की बाइक्स क्या तगड़ी लगती है। Q3 स्पोर्ट बैक और गाड़ी का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा ओपी है, ये देखिए। तो गाइज आज हम लोग आए थे ऑटोमोबाइल एक्सपो 2023 में, जो कि रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुआ है। और यहाँ पे 100+ कार ब्रांड्स, हमने बहुत ज़्यादा अच्छे प्रीमियम कार ब्रांड्स देखे, और जो मतलब कार्स देखी जो नई लॉन्च हुई है, जैसे हमने जिमी देखी, हमने थार देखी, और हमने BMW की बाइक्स देखी, अभी ऑडी भी है हमारे पीछे में, हमने ऑडी भी देखी। बहुत ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगा और ऑटोमोबाइल्स के बारे में बहुत ज़्यादा हमको जानकारी भी हुई। यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स, स्कूल बसेस, कार्स, टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी हमने देखी, तो हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको गेन हुआ। और गाइज आप भी ये एक्सपो में ज़रूर से ज़रूर आना, ताकि आपको व्हीकल्स के बारे में फुल अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, उसके बाजू वाले बेल आइकन को और पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।